कृष्ण भगवान की जय। तो लीजिएगा सबसे पहले धनवा सांड ससैंडी ग्राम की पावन रज को अपने माथे पर अंकित करते हुए भगवान गणेश माता सरस्वती का आवाहन करते हुए सृष्टि के कोटि कोटि देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सृष्टि के तमाम देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनका आशीर्वाद लेते हुए प्रणाम कर रही हूँ। प्रांगण में पधारे हमारे तमाम सुनने वाले भैया दद्दा लोग जो दूर दराज से चलकर आए हैं, सभी को सामूहिक प्रणाम कर रही हूँ, सभी का आशीर्वाद चाह रही हूँ। प्रणाम कर रही हूँ, स्वागत कर रही हूँ। हमारे बीच में देवी स्वरूपा माताएं बहनें भी विराजमान हैं, हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। स्वागत के इसी क्रम में स्वागत कर रही हूँ। संपूर्ण रात्रि हमारा सहयोग प्रदान करेंगे आदरणीय सम्मानी हमारे चाचा जी सम्मान्य श्री लालवन चंचल जी, और आपका और आपके सभी साथियों का हृदय से नमन वंदन स्वागत कर रही हूँ। स्वागत कर रही हूँ मंचासीन बुंदेलखंड कीर्तन उत्थान समिति के अध्यक्ष बड़े भैया श्री देवेंद्र तिवारी उर्फ पप्पू भैया, अभी हृदय से स्वागत वंदन है। जय हो। स्वागत वंदन कर रही हूँ बहुत अच्छे रचनाकार सम्मानी हमारे बड़े भैया श्री पदम जी, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन है। स्वागत वंदन के इसी क्रम में स्वागत वंदन कर रही हूँ बड़े भैया सम्मान्य श्री दीपक द्विवेदी जी, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन है। नमन वंदन कर रही हूँ दो कलाकार के बीच में एक बहुत अच्छे कलाकार जिनकी कृपा के बिना और जिनके सहयोग के बिना हम दोनों कलाकार ही बेकार हैं, भैया हमारे साउंड सर्विस के ऑपरेटर महोदय जी, आपका भी हृदय से स्वागत वंदन है। और स्वागत वंदन कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ आज के इस जवाबी कीर्तन के मंच के संचालन करने वाले भैया हमारे श्री कृष्ण कुमार मौर्य जी सरल जी, आपका हृदय से स्वागत वंदन है, निवेदन है। आप जहाँ कहीं भी हैं मंचासीन हो मंच के पास आ जाएं। स्वागत कर रही हूँ इस सुंदर से कार्यक्रम को अपने घर बैठे सुन पाएंगे, रिकॉर्ड कर रहे हैं भैया हमारे के एस म्यूजिक फिरोजाबाद, आप सभी लोग इस चैनल पर ये कार्यक्रम घर बैठे सुन पाएंगे। हृदय से स्वागत वंदन है KS म्यूजिक भैया हमारे संजय भैया को, सभी को पुनः सामूहिक प्रणाम करते हुए प्रांगण में पधारे तमाम भैया दद्दा लोग, सभी को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ। और लीजिएगा ज्यादा समय न लेते हुए सीधा आपको कार्यक्रम से जोड़ रही हूँ। जय हो। एक निवेदन के साथ जाने अनजाने कार्यक्रम के दौरान नादानी से हम बच्चों से कहीं कोई त्रुटि हो जाती है तो आप लोग अपने कृपा प्रसाद से क्षमा करिएगा। इसी आशा विश्वास के साथ उपस्थित हैं ये बुंदेलखंड की सबसे छोटी पार्टी नीलम विश्वकर्मा एंड पार्टी छतरपुर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड। स्वागत कर रही हूँ समिति के सभी भाइयों को, हृदय से नमन वंदन है, सभी को सामूहिक प्रणाम है। आइएगा मेरी ओर से कार्यक्रम की शुरुआत है तो बिना किसी विलंब के कार्यक्रम का शुभारंभ है। चलो
बाप दे सरस्वती मैया की जय। प्रेम से बोल दे दुर्गा मैया की जय। प्रेम से बोल दे लक्ष्मी मैया की जय। प्रेम से बोल दे पार्वती मैया की जय। प्रेम से बोल दे विष्णु भगवान की जय। प्रेम से बोल दे शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोल दे राजा राम चंद्र की जय। प्रेम से बोल दे हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोल दे सभी देवताओं की जय। प्रेम से बोल दे सभी माताओं की जय। कारा माई शेर वालिदा सजे दरबार की जय। माइक को टेबल के लेवल पे लगा दीजिए भाई साहब कि देश के उभरते हुए इन कलाकारों को, कीर्तन की दुनिया के इन बड़े नामों को मुझे सुनने का मौका मिलेगा, आप सबको भी मौका मिलेगा। आइए माँ भगवती के दरबार में आप सबका सहयोग लेते हुए इन दोनों कलाकारों के संबंध में मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आज की रात ऐसे ऐसे गीत सुनने को आपको मिलेंगे जिन्हें आप बरसों तक गुनगुनाते रहेंगे, बरसों तक आप मन में गाते रहेंगे। हमारे बाएं तरफ माँ भगवती की बहुत ही लाडली बेटी, कीर्तन की दुनिया का एक बड़ा नाम जो हमारे बीच में छतरपुर मध्य प्रदेश की धरती से आई हुई है, नीलम विश्वकर्मा जी बहुत लाडली गायिका हैं। इनके गाने के साथ साथ इनका ज्ञान देखेंगे आप तो निश्चित रूप से आज की रात आपको सालों साल याद रहेगी। मैं चाहता हूं जहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं वो लोग हमारी बेटी हमारी छोटी बहन नीलम विश्वकर्मा के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए और अपनी धरती पर अपने गाँव की धरती पर माँ की इस बेटी का स्वागत और सम्मान कीजिए। हमारे दाहिने तरफ गंगा की पवित्र धरती से, गंगा की पावन नगरी से चलकर बहुत ही अनुभवी कलाकार, कीर्तन की दुनिया का एक बड़ा नाम आदरणीय लालमन चंचल जी हमारे बीच में हैं। आज इनके भी गायन कलाप देखेंगे तो मेरा दावा है कि आज की रात ये कीर्तन की रात आप लोग भूल नहीं पाएंगे। आइए मैं चाहता हूं कि गंगा की पवित्र धरती से आए हुए आदरणीय लालमन चंचल जी के लिए आपकी जोरदार तालियां उठे और जोरदार तालियां बजाइए। यही हौसला हमें सारी रात कायम रखना है। क्यों? क्योंकि हम इन दो कलाकारों के लिए कहना चाहेंगे कि हम मंच पर जरूर खड़े हैं लेकिन हम आपकी तरफ हैं। जितनी तालियां जितने हौसले से आप इनको सुनेंगे ना उतने जोश और हौसले से अपने दिल की गहराई में छिपी हुई एक एक बात को एक एक मर्म को आपके सामने उभार कर रख देंगे। मैं आपसे कहूंगा कि डूब करके सुनो और सुनकर गुनो, डूब करके सुनो और सुनकर गुनो। मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे,
मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना ये हैं परिंदे बहुत दूर के, वरना ये हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे, वरना ये हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। ये आप लाल मंजी कानपुर से आए हुए हैं, कानपुर कीर्तन की दुनिया में बहुत आगे, दादा हरिकृष्ण जी जवाहरलाल जिद्दी जी का नाम आज भी कीर्तन की दुनिया के कलाकार लोग जानते हैं, उस धरती से लाल मंजी आए हुए हैं। आइए, हम लखनऊ के लोग हैं, लखनऊ के लोग अपने मेहमानों का स्वागत सम्मान करना बहुत अच्छे ढंग से जानते हैं। ये हमारी आदत में बसा हुआ है कि जो हमारे घर मेहमान आए वो भगवान हुआ करता, और फिर जिस पर माँ शारदा की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, ऐसे कलाकार, ऐसे माँ वाणी के पुत्र तो हमारे लिए बहुत आदरणीय, बहुत सम्माननीय हुआ करते हैं। मैं चाहूँगा कि आदरणीय हौसला जी आए, और मैं चाहता हूँ आदरणीय दादी जी को भी बुला लिया जाए, हमारे दोनों कलाकार साथी, मैं चाहता हूँ दोनों लोगों का एक साथ सम्मान कर दिया जाए और कीर्तन कया गंगा बह चले। आइए आदरणीय, चूंकि अगर सारी दुनिया को खंगाल के देखा जाए तो हमारी नजरों में, हाँ, आदरणीय राम हौसला जी मंच पर आ जाएं, आदरणीय दादी जी मंच पर आ जाएं, अगर सारी दुनिया को खंगाल कर देखा जाए तो हमारे आंगन से लेकर के स्वर्ग तक बेटी का स्थान सबसे ऊंचा है। तो मैं अपनी बेटी को बड़े आदर से बुलाना चाहता हूँ कि माँ की लाडली बेटी आए और आदरणीय दादा जी का आशीर्वाद, दादी जी हमारी बेटी को सम्मानित करें। आइए अशोक जी, आइए आइए, हाँ आप आ जाइए, आइए आइए आ जाइए, अब आओ से आओ। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे समाज की बेटियां आज निकलकर गीत संगीत और कला की दुनिया में कितना आगे जा रही हैं, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। आइए 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 आइए, माला शॉल, और इस बीच मैं चाहूंगा कि आदरणीय नीलम जी का सम्मान हो रहा है तो आपकी तालियां खामोश न रहें। दादी सामने देखो, आदरणीय नीलम जी के सम्मान के बाद मैं चाहता हूं वह व्यक्ति आदरणीय लालमन चंचल जी का सम्मान करे जिसका हौसला हमारे इस कार्यक्रम को, हमारे नौजवान साथियों को हमेशा मिलता रहता है, जिनके हौसले के दम से यह कार्यक्रम है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस गांव के पूर्व प्रधान आदरणीय राम हौसला यादव जी को, वे आए और आज भी हमारे कलाकारों को, आदरणीय रामलाल लालमन चंचल जी आपका सम्मान आदरणीय राम हौसला जी करेंगे। बहुत बहुत प्रसिद्ध कलाकार हैं लालमन चंचल जी, आज की रात यादगार की रात बनेगी, माँ की कृपा हम दोनों कलाकारों पर बराबर बनी रहे, एक तरफ आदरणीय नीलम जी, दूसरी तरफ लालमन चंचल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम कार्यक्रम की ओर, हाँ मैं नीलम जी ने अभी कहा कि जिनके हौसले से हम लोग बुलंद हैं, जिनकी हस्ती से हमारी हस्ती है, ऐसे सार्थक सिंह जी जो महाराजगंज से अपनी साउंड की व्यवस्था लेकर आए हैं, मैं सार्थक सिंह जी को बुलाना चाहूंगा। सार्थक जी मंच पर आए, और चूंकि इन्हीं की देन से, इन्हीं कृपा से कार्यक्रम सार्थक होगा। आइए सार्थक जी मंच पर आए, और हमारे अशोक जी आदरणीय राम हौसला जी उनका स्वागत सम्मान करेंगे।
आपका हमेशा हमारे इस कार्यक्रम में बहुत योगदान रहता है। आपकी साउंड सर्विस इतनी बढ़िया रहती है कि कोई कलाकार कभी शिकायत करके नहीं गया, हर कलाकार तारीफ करके ही गया। आइए सार्थक सिंह जी आपके सामने हैं, जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि इन्हीं के दम से हम सब लोगों की दम है। चलिए मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी हमारी बहन सबसे ज्यादा आदरणीय होती है, तो मैं चाहता हूं इस कार्यक्रम का हमारे सरल भैया जी का स्वागत हमारी पूरी कमेटी करेगी। नहीं, ये बहुत जरूरी है, पूरी कमेटी हमारे ऊपर आ जाए, क्योंकि भैया की वजह से ही अभी तक हम लोग के जितने भी जवाबी कीर्तन के कार्यक्रम रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, बड़े सरल ढंग से निपट रहे हैं। चलो चाची, हेलो 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 आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करते हैं ये कहते हुए। आदरणीय नीलम जी, कार्यक्रम की शुरुआत ये कहा गया है कि जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, जिंदगी रोई तो रोती ही चली जाती है, अपने अश्कों से भिगोती ही चली जाती है, और नेक कामों में कभी देर न करिए साहब, नेक कामों में कभी देर न करिए साहब, देर होती है तो होती ही चली जाती है, देर होती है तो फिर होती ही चली जाती है। 10:15 बज गया है, मैं अपनी बहुत लाडली बेटी जिसके सर पर माँ शारदा का हाथ है और आज की रात हम आप सबका साथ है, मैं छतरपुर की धरती से पधारी हुई आदरणीय नीलम विश्वकर्मा जी को आवाज देता हूँ, आए और अपना कार्यक्रम शुरू करें। आदरणीय नीलम जी एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारी बेटी को आवाज दीजिए, धन्यवाद। जैसा कि सभी लोग जानते हैं जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले जितने भी प्रांगण में श्रोता बंधु हमारे समिति के सभी भाई विराजमान हैं, सभी का आशीर्वाद चाह रहे हूँ, सभी को सामूहिक प्रणाम कर रही हूँ। परम सम्मानी हमारे मंच संचालक बड़े भैया श्री सरल जी, आपको हृदय से नमन वंदन है, स्वागत है। आप जितना जितना अपना आपका स्वभाव सरल है वैसा ही नाम सरल है, जैसा नाम वैसा काम, बिल्कुल। और बेहतरीन साउंड व्यवस्था के लिए भैया हमारे सार्थक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और क्या हो सके हो सके तो हमारा थोड़ा माइक बढ़ा दीजिए। बहुत ही अच्छी साउंड व्यवस्था है, जैसा कि हमारे बड़े भैया सरल जी ने कहा है कि साउंड में गाने वाले कोई भी कलाकार हो किसी ने शिकायत नहीं की है बल्कि तारीफ ही की है। तो भैया सरल जी मैं आपको बताऊं, मेरा कार्यक्रम शुक्लागंज में चल रहा था, वहाँ हमारे भैया ब्रजेंद्र भैया से मुलाकात हुई और मुझे कहीं लगा ही नहीं, जितनी जहाँ जरूरत है वो उसी हिसाब से वॉल्यूम बढ़ाते गए और वो मुझे लगा कि जैसे वो गवाते गए, और वही क्वालिटी हमारे सार्थक भैया में है। माता भगवती हमेशा आपका कल्याण करे। तो आइएगा, ज्यादा समय ना लेते
करते हुए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब भी कोई कलाकार अपनी प्रस्तुति के लिए खड़ा होता है तो सबसे पहले भगवान गणेश और माता सरस्वती के चरणों में चला जाता है। जय हो। चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं भी भगवान गणेश और माता सरस्वती को मना रही हूँ। बहुत बढ़िया। एक निवेदन के साथ कि साज और आवाज से भवानी को हम लोग मनाएंगे, लेकिन आप लोग भी मनाइएगा। आप लोग भी मनाइएगा, साज और आवाज से ना सही अपने भाव हमारे साथ मिला लीजिएगा, ताकि वो वंदना मेरी और आप सबकी तरफ से हो जाए। हृदय से धन्यवाद कर रही हूँ, आदरणीय हमारी दादी जी ने हमारा सम्मान स्वागत किया है, हृदय से धन्यवाद है। आइए सुनेगा। सुने। सुने। कहना है क्या कि गणराज तुम्हारी महामहिमा सूर्य नायक से शिरना तेरे त्रिलोकन के तन धारी सावे पद पंकज शीश नवाते रहे तुरश रंग करे इतनी विनती बिन विघ्न ही हरि ध्याते रहे तो नित्य मंगल मोद मनाते रहे मनमोहन के गुण गाते रहे। बार बार प्रणाम भगवान गणेश जी के चरणों में सामंडल कर रही हूँ और कह रही हूँ बाबा आज की रात्रि आप जहाँ कहीं भी हैं आकर इस मंच पर विराजमान हो जाइए। हमारे समिति के सभी भाइयों ने बड़ी मेहनत से ये कार्यक्रम सजाया है तो हे बाबा इसमें किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा ना आवे। प्रणाम कर रही हूँ शक्ति को जिस शक्ति ने हमको मंच पर बैठना बोलना सिखाया है। परम पूजनीय स्वर्गीय दादा मैयादीन तिवारी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए प्रणाम कर रही हूँ परम पूजनीय गुरुवर पंडित श्री लालचंद दीक्षित जी खरेला उत्तर प्रदेश आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपका आशीर्वाद लेते हुए और कह रही भवानी से किया देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रही है माँ आज की ये रात्रि का ये कार्यक्रम आपके चरणों में सौंप रही हूँ भवानी क्योंकि मैया मैया संसार के सभी कलाकार तुझसे कुछ ना कुछ मंगाते हैं आपसे कुछ ना कुछ मांगते हैं हर भक्त आपके दरबार में जाता है और कुछ ना कुछ भेंट लेकर जाता है। लेकिन माता रानी मेरे पास कुछ नहीं मैं खाली हाथ आई हूँ और जब मैं खाली हाथ आई हूँ तो माता रानी मेरा विश्वास है कि जो भी इस दरबार पर आया है वो निराश होकर नहीं लौटा है। तो आइएगा चंद पंक्तियों के माध्यम से माता रानी को मना रही हूँ। जय हो। चलो आदरणीय चाचा जी जी भैया सरल जय जय हो। हालांकि वंदन गीत में धुन बताना आवश्यक नहीं है लेकिन कुछ तर्जे सार्थक भैया फिल्मी दुनिया वालों ने ऐसी निकाली हैं जिनको गाने का मन करता है। एक ऐसी ही तर्जाई की जरा पास दिल के चले आइए
जरा जरा पास दिल के चले आइए, जमाने की बातों पे ना जाइए, जमाना तो करता है, जमाना तो करता करता ये बातें जमाना तो करता है, जमाना तो करता करता ये बातें फिजूल। मुझे लोग कहते कदमों की धूल। जब यही धूल माता रानी के दरबार पर आ गई तो मैं कह सकती हूँ, मुझे लोग कहते कदमों की धूल अगर आप छूते, मैया अगर आप छूते, अगर आप छूते छूते मैं बन जाऊं धूल। मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं कदमों की धूल, मुझे लोग कहते हैं। आइएगा कहना है माता रानी से, हे माँ नीलम में वो सामर्थ्य नहीं है माता रानी, कितने विद्वान जनमानस के बीच में कुछ गा पाऊं। बिल्कुल, तो हे माँ मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ, मैं तुम्हारे नाम से हर काम करती हूँ, हर काम का परिणाम तुम्हारे नाम करती हूँ, आज तन मन धन सभी तुमको समर्पित कर, तो इस नीलम को तेरे नाम पर नीलाम करती हूँ। धन्यवाद। सुनेगा सुने मेरा ही माँ, मेरी प्रार्थना माँ, मेरी प्रार्थना माँ तू कर ले कबूल, हमेशा गलती कर जाते हैं लेकिन माता रानी उन गलतियों को सुधार कर क्षमा करके प्यार देती हैं। तो हे मैया मैं चाह रही हूँ क्या बेटे, अगर मैं जो भूली तू तो न भूल, मेरी प्रार्थना तू कर ले कबूल। क्योंकि माँ मैं तो हूँ नादान,
भैया। मैं तो हूँ नादान मगर तुम नहीं। माँ मैं तो हूँ नादान मगर तुम नहीं। तुम ममता तो माँ की होती कभी कम नहीं। मुझे प्यार में माँ मुझे प्यार में मैया पद्मों की धूल मेरी प्रार्थना तू कर ले क्योंकि कहा जाता है माँ दीप में सूर्य जैसा जोश नहीं होता। दीप में सूर्य जैसा जोश नहीं होता। होठ हो वंद दिल खामोश नहीं होता। देने को प्यार तो देते ही ये जमाने वाले पर मां न दे प्यार तो संतोष नहीं होता। किसी ने कहा है माँ माँ के दरबार में तकदीर बदल जाती है। माँ के दरबार में तकदीर बदल जाती है। रहमत से हाथों की लकीर बदल जाती है। जो ले लेता है माता रानी का केवल प्रेम से नाम पल भर में उसकी तकदीर बदल जाती है। इसलिए मैया मेरे पास कुछ नहीं है और मैं चाह क्या रही हूँ क्या स्वीकार की स्वीकार कीजे मेरी वंदना। माँ वंदना कभी हो मेरी वंदना। माँ माँ कविता के साथ लाई कविता के साथ लाई मैं श्रद्धा के फूल तीसरा और अंतिम बंद माता रानी के चरणों में समर्पित है और कह रही हूँ मैया क्या बने शरे गम के स्वर में झनकार दे शरे गम के स्वर में झनकार दे माँ सारे संसार का तू सार दे माँ। क्यों क्यों ये नादा तिवारी ये नादा तिवारी तू माँ भारती जगा ज्योति दिल में करूं आरती। माँ मेरी भावना के मैया तू झूला में झूल मेरी भावना के मेरी भाव
सभी भक्त दोनों हाथों को उठाकर जोरदार जय करा। प्रेम से बोलते दुर्गा मैया की जय। धन्यवाद है। हेलो 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 हेलो। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, मध्य प्रदेश की पावन धरा से पधारी बहुत ही शब्द और सुरीली कीर्तनकारा आदरणीय सम्मानीय नीलम विश्वकर्मा जी को, उनके कुशल एवं सक्षम साथियों को, आपकी सेवा में नवरात्र की इस पावन बेला पर सभी बहनों भाइयों बुजुर्गों सभी का हृदय से स्वागत करते हुए, सर्वप्रथम माता भगवती भगवान भोलेनाथ के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आज इस गांव की पावन पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक पर चंदन स्वरूप में अंकित करते हुए, जय हो माता रानी के इस पावन दरबार में अपने चित्त को समर्पित करते हुए, परमारानी सम्मानी इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली समिति के सभी पदाधिकारियों का यथोचित अभिवादन वंदन नमन करते हुए, जय हो आज की रात की सहयोगी कीर्तनकारा आदरणीय नीलम विश्वकर्मा जी, उनके कुशल एवं सक्षम साथियों का भी हृदय से अभिवादन करते हुए नमन करते हुए, जय हो अभिवादन कर रहा हूं। हम दो कलाकारों के मध्य आज उद्घोषक की भूमिका का निर्वहन कर रहे परमादरणीय सम्मानी हमारे सरल जी, साथ ही साथ फिरोजाबाद की धरती से पधारे केएस म्यूजिक सिस्टम, बहुत बहुत धन्यवाद है। दूर दराज से पधारे विद्वान श्रोताजन देवी स्वरूपा माताओं बहनों का शुभ आशीर्वाद अपने सर पे लेते हुए आपकी सेवा में कानपुर नगर की सबसे छोटी पार्टी लालवन चंचल एवं साथी श्याम नगर कानपुर कार्यक्रम का शुभारंभ करने जा रहा हूं। संपूर्ण रात्रि अगर हम बच्चों से त्रुटियां हो जाए तो अपना जान करके क्षमा करने की माती कृपा करेंगे। अभिवादन कर रहा हूं दो कलाकारों के मध्य में, तीसरे कलाकार की भूमिका का निर्वहन कर रहे हमारे मूलधन से ब्याज बहुत प्यारा होता है, क्या बात। सिंह साउंड सर्विस महाराजगंज रायबरेली, बहुत बहुत आशीर्वाद शुभकामनाएं देते हुए आपकी सेवा में कार्यक्रम शुभारंभ करने जा रहा हूं। संपूर्ण रात्रि अगर हम बच्चों से त्रुटियां हो जाएं तो अपना जान करके क्षमा करने की महती कृपा करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ कार्यक्रम शुभारंभ है लालवन चंचल कानपुर।
क्या है, चलें। आप कहाँ चले? जय हो।
साथ है बेटे। एक बार प्रेम सुनो आदिशक्ति महामाया की जय, सरस्वती मैया की जय, दुर्गा मैया की जय, काली मैया की जय, तपेश्वरी मैया की जय, मुक्तेश्वरी मैया की जय, कुष्मांडा मैया की जय, बारा देवी मैया की जय, चंडिका मैया की जय, धरती मैया की जय, गौ मैया की जय, जनदात्री मैया की जय। प्रेम से बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, राधा माधव सरकार की जय, सभी देवताओं की जय, सभी माताओं की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। हे माई सच्चा ज्योता वाली माता तेरी सदा सदा पहाड़ों वाली माता तेरी सदा सदा ही जय हो। सबके बिगड़े काम बनाने वाली माता तेरी सदा सदा ही जय हो। जयकारा मैशियालिदा बोल साचे दरबार, हेलो हेलो नया हेलो जितने भैया लोग हमारे हाँ सामने खड़े हैं, नौजवान साथी मेरे, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। हेलो, ये भगवान का कीर्तन है। हाँ, और भगवान का कीर्तन ये कम हो गया, बैठ के सुनने में जितना आनंद आता है खड़े खड़े आनंद नहीं आता है। बिल्कुल। हेलो, आज इस मंच में मैं पहली बार हाजिरी लगाना रहा हूँ। हाँ, और आप सुने वंदना का दौर हाँ ले रहा हूं। बिल्कुल। महारानी के चरणों में। बिल्कुल। इसके बाद जवाबी का दौर रात भर चलता रहेगा। क्यों क्यों सरस्वती स्वरदायिनी सरस्वती स्वरदायिनी कैठी जियो को हर रसना में आकर
करमो माँ रस अमृति दो खोल हे का दौर लिया है लेकिन कभी फिल्मी गुण दुनिया को नहीं गुनगुनाया लालमन ने। बिल्कुल गुरु बिल्कुल। ना ही आवश्यकता होती है। तो है क्यों परमात्मा के चरणों में अपनी आवाज पहुंचाना है तो फिल्मी आधार नहीं ले रहा हूं ना। आधार लूंगा लेकिन बात लाऊंगा क्या क्या जाबू कहा अपने पते वाजी नहीं है जाना न मैंने मैया ये जाना न मैंने मैया और तूफान का आना कल का जो माहौल माहौल था अगर इस कमेटी को मालूम होता कि बारिश होने वाली है या तूफान आने वाला है तो एक कमेटी सारी व्यवस्था जुटा लेती बिल्कुल बरसात हो रही होने दो वाटर प्रूफ पंडाल लेकिन परमात्मा के यहाँ पे देर नहीं लगती है ना। सभी कार्यक्रम निरस्त हो गए मैं भी उसका भुक्तभोगी बना बिल्कुल एक चक्र गाना हुआ बरसात हो गई गाना खत्म खत्म तो मैं कह रहा हूँ माँ कर अपने पते वाद नहीं है माँ मैया जाना न मैंने मैया ये जाना न मैंने मैया तूफान का आना पीड़ा वाली मैया मेरी नैया बचाना हर व्यक्ति जाता है माँ के दरबार में ए माँ आज ये बच्चे तेरे दरबार में हैं तुझसे कह रहे हैं क्या क्या पीड़ा वाली मैया मेरी नैया बचाना नैया बचाना नहीं ये नैया बचाना नहीं हंसेगा जमाना पीड़ा वाली मैया मेरी नैया बचाना ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे श्री त्रिची विशाल मां भगवती जागरण दिनांक 27 अक्टूबर शुक्रवार रायपुर कुड़ा ससेंडी लखनऊ जिसके गुणगान करता है विशाल बावला जागरण पार्टी आलमबाग लखनऊ ये 101 पत्र मुद्राएं प्रदान है मैं बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं नमन कर रहा हूं वंदन कर रहा हूं ये आदरणीय हमारे
माँ भगवती जन जागरण समिति माँ भगवती जन जागरण समिति धनवा साल आपकी तरफ से प्रदान हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद है पूरी समिति को। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा ना, कम समय लूंगा, बात बढ़िया बताऊंगा। हाँ, बिल्कुल और क्या कह रहा हूँ माँ माँ अरे नैया बचाना नहीं, ये नैया बचाना नहीं, अरे ये नैया बचाना नहीं, हंसेगा जमाना, पीड़ा माली मैया सबकी नैया बचाना, वंदना का अंतिम बंद ले रहा हूं। ए बहन जी, बहन जी, बहन जी, इधर आई हो तो कुछ ले लो, कुछ नहीं मिल रहा है, मालिक देता है, हम लोग क्या देंगे। अगर आप आई हैं अपना कीमती समय लेके बैठ के देखो, अगर सुबह तक आपको कुछ मिल जाए तो परमात्मा की कृपा है, ये समझ लीजिए आप। मैं कह रहा हूं माँ चला करती है जिंदगी, मौत तेरे कदमों पे पला करती है, और कुछ बिगाड़ सकता नहीं संसार में उसका कोई, अरे जिसके दिल में माँ सच्ची ज्योति जला करती है। एक बात और सुनना भाई, हर पल को मैं प्यारे आंचल में तेरे राम श्याम पले हैं, चाहे माँ कौशल्या का आंचल हो, चाहे माँ यशोदा का आंचल हो, अरे भगवान को भी माँ के आंचल में पले और पल के बड़े हो गए। कह रहा हूँ माँ माँ अरे पले को मैं प्यारे और आंचल में तेरे राम श्याम पले, और आंचल में तेरे राम श्याम पले गए, तो ये चंचल रहे मैया, ये चंचल रहे मैया और चंचल घर आना, एक बार महारानी कृपा हो जाए, बिल्कुल, और ये चंचल रहे मैया और चंचल घर आना, तो पीड़ा वाली मैया मेरी मैया बचा, हंसेगा जमाना, तो पीड़ा वाली मैया मेरी नैया बचा, पीड़ा वाली मैया
जय जय करा माई शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जय।